हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी क्रिसिस वी एग्ज़ाम। तो अभी बड़े सारे एस्पिरेंट एज इलेक्शन के ऊपर अभी भी परेशान है कि गवर्नमेंट इलेक्शन देगी या नहीं देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज आपने देखा होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना ने उन्होंने उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने इसके ऊपर जो है वो एल जी साहब के पास जो है वो एक आगे मेमोरेंडम उन्होंने बोला नहीं, उसने कुछ उन्होंने बोला कि हमने इसके रिगार्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के साथ से बात करी है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार ये चीज़ अगर कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा तो ऐसा हवा में बोल देंगे, ऐसे कुछ बोल देंगे, कुछ होगा तभी कुछ बोलेंगे ना। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी आज ही बच्चे जो है वो बीजेपी ऑफिस जो है त्रिकुटा नगर में जा रहे हैं, और जो भी जम्मू वाले एस्पिरेंट हैं वो इन नंबर्स वहाँ पर जो है जाओ अपनी आवाज़ रखो, आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। ठीक है, और मैं आपको सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये डिमांड आपकी जेन्युइन है। अगर आपकी डिमांड जेन्युइन होती मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, और अभी भी मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये जो आप जो जो आपका इशूज़ हैं वो आपके जेन्युइन इशूज़ हैं यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अभी इतना फ्लोरिश नहीं हुआ, तो जो भी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और अगर कोई किसी बच्चे का सपना है कि यार मैं वर्दी डालूं या कुछ डालूं, तो उसको उसका इतना उसका चांस तो मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं ना कि वो यार उसका चांस ही जो है वो बेकार हो जाए। तो बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी मसला रिजॉल्व करा जाए। ठीक है, मैं हमेशा जो है वो जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर जो है बोलते रहता हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ आगे भी बोलता रहूँगा। ठीक है, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होता हो जाता तब तक, क्योंकि मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ कोई मैं पर्टिकुलर अपने बंदे अपने लिए नहीं उठा रहा, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के लिए बोल रहा तो जो जो भी आपके बच्चे जो आप लोग सुन रहे हो जो जम्मू डिवीज़न से है, तो आप अपनी आज जो है अपनी आवाज़ बनो। ठीक है, और बीजेपी ऑफिस जाओ और हल्ला मचाओ, कि आपको हल्ला मचाओ इन द सेंस की आप वो अपनी राइट मांगना उनसे, आपको उस वो नहीं मांगना नौकरी, आपको अपना राइट मांगना कि हमें हम सिर्फ अपना राइट मांगते हैं कि हमें अपना राइट जो है वो दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि JKSSB ने फाइनेंस अकाउंट सिस्टम एग्ज़ाम जो है जो एपटेक्स से लेना था मार्च 2022 में, है ना। तो मार्च 2022 में उन्होंने एपटेक्स से एग्ज़ाम लेना था, तो बच्चों ने प्रोटेस्ट करा और उस एफ ए के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी निकल गए थे। तो आई थिंक एक दो तीन दिन पहले या उसका जो है एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर आप यूनाइटली इसके ऊपर एफर्ट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस ये मसले रिजॉल्व नहीं हो सकते। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मसला रिजॉल्व हो सकता, अब जब एग्ज़ाम हो गया तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, बाकी अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है या एलजी साहब क्या करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को कि यार बच्चों को जो है अपने राइट से जो है उनके राइट से जो है वो पीछे हटाया जाए।